विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की शुक्रवार को हुई बैठक में दो नेताओं ने जातिगत जनगणना करवाने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के फैसलों पर सवाल उठाए। इस पर नाराज सीएम अशोक गहलोत ने दोनों ही नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक रघु शर्मा ने जब जातिगत जनगणना के फैसले पर सवाल उठाते हुए इससे चुनावों में नुकसान होने की आशंका जताई तो गहलोत ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि तुम तो नेशनल लीडर हो, राहुल गांधी से ही सीधी बात क्यों नहीं कर लेते। आपको पता है कि यह पार्टी का नेशनल स्टैंड है और आप इस तरह की बात कह रहे हो। कर्नाटक में राहुल गांधी ने बोला था कि बाकी जगह भी कांग्रेस का यही स्टैंड है। बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा उस समय उनके निशाने पर आ गए जब उन्होंने ओबीसी मुख्यमंत्री की ओबीसी के लिए 6% आरक्षण की घोषणा का मुद्दा उठाया तथा कहा कि इससे बहुत नाराजगी पैदा हुई है तथा इस विषय पर सोशल मीडिया पर विचार विमर्श कर रहे युवाओं के हृदय धधक रहे हैं। इस पर गहलोत अपना धैर्य खो बैठे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव नहीं जीत सकते और मैं जानता हूं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कई बार टिकट दिए लेकिन आप कभी नहीं जीत पाए। मैंने आपको सलूम्बर जिला दिया लेकिन यहाँ भी आप कुछ कर पाए हैं। जिस तरीके से गहलोत बोल रहे थे उससे मीणा की आंखों में सचमुच ही आंसू भर आए। वहीं इस मसले पर जब उदयपुर न्यूज ने रघुवीर मीणा से बात करनी चाही तो उनका फोन नो रिप्लाई गया। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर। एडमिशन ओपन